मूवी 14 फेरे रिलीज हो चुकी है, जिसमें मेन रोल में विक्रांत मैसी और कृति खरबंदा है। मूवी 14 फेरे की कहानी में एक कपल की रोमांटिक और कॉमेडी लव स्टोरी को दिखाया गया है। तो आइए जानते हैं क्या है इस मूवी की पूरी कहानी। संजय उर्फ संजू अपनी ही कॉलेज की एक लड़की जिसका नाम अदिति होता है, दोनों के बीच पहले दोस्ती होती है और फिर प्यार हो जाता है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों एक ही मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगते हैं और फिर आजकल के कल्चर के अकॉर्डिंग दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। वहीं दोनों के घर वाले इसके खिलाफ होते हैं, जहां संजू के पिता कन्हैया लाल अपने लड़के की शादी अपनी ही कास्ट की एक लड़की से कराना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अदिति के पिता भी लव मैरिज के खिलाफ होते हैं। तो फिर अब कैसे होगी दोनों की शादी। वहीं संजू और अदिति शादी करने के लिए एक रास्ता ढूंढ निकालते हैं। संजू और अदिति अपने लिए किराए के माता पिता ढूंढ लेते हैं, जो माँ के रोल में हमें गौहर खान और पिता के रोल में हमें जमील दिख रहे हैं। गौहर और जमील पहले संजय के माता पिता बनकर जयपुर में अदिति के पिता और भाई को शादी के लिए मनाने जाते हैं और उसके बाद अदिति के माता पिता बनकर संजय के परिवार को शादी के लिए मना लेते हैं। इस तरह संजय और अदिति अब दो शादियां करेंगे, यानी 14 फेरे लेंगे। लेकिन फिल्म में देखना बहुत इंटरेस्टिंग है किस तरह भाग दौड़ के बीच इनकी शादी होती है। मूवी 14 फेरे आज यानी 23 जुलाई 2021 को Zee5 पर रिलीज हो चुकी है। तो दोस्तों, ये जानने के लिए कि संजू और अदिति की शादी हो पाती है या नहीं, ये मूवी ज़रूर देखें और अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही। बॉलीवुड की आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट से। धन्यवाद।